अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बताने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सा ऐसा मेकअप जिसको करने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कोई मेकअप किया है। बिल्कुल नो मेकअप वाला लुक लगेगा, आप देख ही सकते हो। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है कोई भी फेस वॉश में, क्योंकि मेकअप से पहले ना आपका फेस क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं टोनर का यूज़ कर रही हूँ, ये प्लम का है। वैसे तो मैं डेली वे में रोज़ वाटर वाला टोनर यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मुझे मेकअप करना था तो मैं ये वाला स्पेशल ले रही हूँ, स्पेशल मेकअप। टोनर जब अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए ना स्किन में, तो फिर कोई भी बहुत अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र आपको लगाना है। ये बेस को ना आपकी बहुत अच्छे से सेटल करेगा। तो मॉइस्चराइज़र में भी बहुत ही अच्छा वाला होना चाहिए जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जो लॉन्ग लास्टिंग हो और आपके स्किन को ना बहुत ही सॉफ्ट कर दे, जिससे कि आप जो भी प्रोडक्ट आप अपनी स्किन में लगाओ ना, तो एक लेयर बन जाए जो आपकी स्किन को भी हार्म ना पहुँचा सके। देन मैं ले रही हूँ एले गर्ल का फाउंडेशन, जो कि बिल्कुल मेरे शेड का है, और उसमें मैंने लिक्विड हाइलाइटर मिक्स कर दिया था। वैसे कभी कभी मैं करती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही लगा लेती हूँ, लेकिन आज मेरा मन किया थोड़ा सा कुछ अलग दिखने का, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने मिक्स करके लगा लिया। देन यहाँ पर कंसीलर भी मैंने लगाया है मेबेलिन का। तो बेस मेकअप मेरा कंप्लीट हो गया है और मैंने कॉन्टोर नहीं किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे ज़रूरत है। और अगर आपको है ज़रूरत, आपके लिए स्किन के लिए रिक्वायरमेंट है, तो आप ज़रूर करें। और उसके बाद मैं आई मेकअप यहाँ पे स्टार्ट कर चुकी हूँ, और बहुत ही सिंपल वाला मैं करती हूँ। ज़्यादातर मैं न्यूड ब्राउन शेड लेती हूँ और उसे ही अपनी पूरी आईज़ पर ना इस तरह से ब्लेंड कर लेती हूँ। उसके बाद कोई भी ब्लैक कलर लेके ना थोड़ा सा उसे भी मैं कॉर्नर पे लगा लेती हूँ, तो ये मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया। देन मैं आईब्रोज़ को थोड़ा सा फिल कर लूँगी, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा लाइट है आईब्रो। और उसके बाद कोई सा भी आप लिपस्टिक ले लो, यहाँ पे मैं रेड लिपस्टिक लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने आज ब्लैक कलर का सूट पहना है, तो ब्लैक में रेड मुझे लगा अच्छी लगेगी। रेड लिपस्टिक ना मैंने लगाना बिल्कुल छोड़ दिया था, और आज अचानक से मैंने लगाया तो बहुत ज़्यादा मुझे रेड लग रहा था। तो मैंने एक लैक्मे की लिपस्टिक ली, जो कि न्यूड शेड में है, और इसका शेड मुझे याद नहीं है, तो ये मैंने बीच में लगा लिया, तो फिर बहुत ही सेटल लगने लगा। तो इस तरह से ना आप अपने से ही कुछ ना कुछ इस तरह से मिक्स एंड मैच कर सकते हो। लास्ट में मैंने मस्कारा लगा लिया था, क्योंकि मेरी जो पलकें हैं बहुत छोटी छोटी है, तो उसे अच्छा बड़ा दिखाने के लिए मैं ज़रूर लगाती हूँ। और फिर लास्ट में मैं यहाँ पे ब्लश लगा रही हूँ, पिंक शेड मैंने लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हो। और ये पैलेट है स्विस ब्यूटी का, लगभग 3-4 साल से मेरे पास यही वाला है, और अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है। वैसे ना अगर आप आईलाइनर या फिर काजल नहीं लगाते हो और सारा मेकअप कर लेते हो ना, तो आपका मेकअप बहुत ही सेटल लगता है, अब नो मेकअप वाला लुक आ जाता है। तो ब्लश आपको ज़रूर लगाना है, उससे बहुत ही नेचुरल आपका लुक लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनल लुक ये है मेरा। तो यही था मेरा नो मेकअप मेकअप वाला लुक। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना। खुदा हाफिज़।